हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्लास नवीं और दसवीं में आज हम संधि का, मैं आपको नॉर्मली डेमो बताऊंगा, उसके बाद शायद अगले बार क्लास लग जाए। देखो, आज फर्स्ट नहीं पढ़ा के मैं सेकंड पढ़ा रहा हूँ। देखो, दीन प्लस अनाथ यानी दीनानाथ। अब देखो, ये कोई शब्द नहीं है, दीनानाथ। दीन प्लस अनाथ दीनानाथ, ये गलत है। दीन प्लस नाथ होगा दीनानाथ। जैसे हो गया विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। तो ये जैसे देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल, संधि का मतलब क्या है? दो वर्णों का परस्पर मेल होना चाहिए। देखो, अलग अलग नहीं, जैसे अनाथ विश्व अमित्र, नहीं, विश्व प्लस मित्र दीन प्लस नाथ, दीनों के नाथ, विश्व का मित्र। तो ये नहीं हो सकता, दीन का नाथ, दीन का नाथ कैसे होगा, विश्व का अमित्र भी नहीं होगा। परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर मेल से उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन आता है, उच्चारण में परिवर्तन और लेखन, उच्चारण में कैसे? देखो, दीन अनाथ दीनानाथ, दीन प्लस नाथ दीनानाथ सेट हो रहा है, विश्व प्लस अमित्र विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र। तो दोनों में ये हो गया उच्चारण में फर्क, और लेखन में भी देखो, रात दिन का, इसमें अनाथ इसमें नाथ है, उसे संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। यानी दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण न के बाद अ है और इसका पहला ना, तो ये दोनों मिलकर जो शब्द में परिवर्तन करते हैं ना, वही क्या कहलाती है? संधि। मतलब संधि में हमेशा है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संधि। तो संधि का वापस देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल से उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में जो परिवर्तन करेंगे वही क्या कहलाएगी? संधि। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, दीप धन उत्सव। देखो, इसके पीछे अ है, प के पीछे क्या अ अ आया, प तो आधा व्यंजन है स्वर अ, अ और उ मिलकर क्या बन गए? ओ, यानी बन गया दीपोत्सव। क्या बन गया? दीपोत्सव। इसमें देखो, मरण धन आतुर, देखो ना के पीछे अ है, अ और आ मिलकर क्या बन गए? आ, यानी मरणातुर। फिर देखो, अब संधि हमेशा नियमों से चलती है, ये तो मैं नॉर्मली एग्जाम्पल दिया, संधि के नियम। पहला, आदेश, किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए, जैसे जगत धन ईश जगदीश, यानी किसी आदेश, किसी आदेश होना, मतलब कहेंगे इसका आदेश हो गया, आगे आएगा अपने, किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए, जैसे जगत धन ईश, था तो त लेकिन द यहाँ आ गया इसकी जगह, मतलब त की जगह किसका आदेश हो गया? द का। फिर देखो, आगम, आगम मतलब नो चेंज, तीसरे वर्ण का आगम, जैसे अनु धन छेद अनुच्छेद, इसमें चमच वाला छ का आगम हो गया, यानी नो चेंज। इसमें क्या करेगा? दो शब्द तीसरे का ऑटोमेटिक आगम हो जाएगा, अनु धन छेद, आगम यानी आना। फिर देखो, अगला होगा इसका नियम लोप। क्या होगा? लोप, किसी का लोप या गायब हो जाना, जैसे अत धन एव, अत एव विसर्ग का लोप हो गया, लोप होना मतलब गायब हो जाना, अत धन एव अत एव, यानी विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। फिर देखो, प्रकृति भाव कैसे होता है, जैसे मन धन कामना, मन कामना। अब देखो, इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ प्लस हटाई, प्रकृति जैसा है वैसा ही प्रयोग किया, मन धन कामना मन कामना, ये होता है प्रकृति भाव। क्या होता है? प्रकृति भाव। तो आदेश में क्या था? आदेश में तो एक की जगह दूसरे का आ जाना, वो हो गया आदेश हो गया। और फिर था आपने आगम, मतलब दो है तीसरा ऑटोमेटिक आ जाना, वो आगम हो गया। लोप में क्या, किसी का गायब हो जाना, जैसे विसर्ग का लोप है। प्रकृति भाव में जैसा है वैसा का वैसा प्रयोग होना। फिर देखो, संयोग, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए तो उसे संयोग कहते हैं। ऐसा हो कभी कभी कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और ये और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये कभी ऐसा हो उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे युग धन बोध युग बोध, कोई चेंज नहीं है, युग धन बोध युग बोध, इसमें भी कोई चेंज नहीं। आधा गए, यहाँ भी आधे का प्रयोग हुआ है। निर्धन अनुनासिक निर्दुनाशिक, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। देखो, यहाँ आप कंफ्यूज, मतलब नहीं, र पूरा हो गया, देखो र और नू नासिक है से, क्योंकि र आधा था, यह पूरा मिलकर नू नासिक हो गया। फिर देखो, अब संधि के भेद कितने, संधि आपको पूछे संधि के कितने भेद है, संधि तीन भेद की, तीन भेद होते संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि हमेशा स्वर प्लस स्वर से मिलकर बनी होती है। स्वर संधि का मतलब क्या, स्वर धन स्वर से मिलकर बनेगी, जैसे अभी धन ईप्सा, अभी के ये छोटी ई है इधर, मतलब इसके अभी के लास्ट में छोटी ई है, भ के ऊपर छोटी की मात्रा, इधर स्टार्टिंग में बड़ी ई है, मतलब छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रही है, बड़ी ई में कन्वर्ट हो रही है, इसको बोलते हैं अभीप्सा, यानी भी यहाँ पे बड़ी हो गई। फिर देखो, अनु धन अय, उ छोटा है और अ, उ प्लस अ क्या बन गया, व, यानी ये क्या गुण हो रहा है, तो अन्वय, क्या हो गया, अन्वय। अब देखो, स्वर संधि के कितने भेद होते, स्वर संधि के भेद पूछे आपको तो पांच भेद होते। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर, फिर होता है वृद्धि स्वर संधि, फिर होता है वृद्धि संधि,
फिर होता है अयादि संधि, फिर होता है गुण संधि और फिर होता है यण। वापस देखो, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि। आपको पूछे संधि के कितने भेद है, तीन, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। आप पूछे स्वर के, स्वर संधि के कितने भेद है, दीर्घ, स्वर, वृद्धि, अयादि, गुण और यण। पहले दीर्घ होता है, फिर गुण होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर यण। सीरियल याद रखना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। फिर देखो स्वर संधि के पांच ही भेद क्यों है, क्योंकि स्वर कितने होते हैं, 11। तो देखो ध्यान से, अ आ और ई ई, ये दोनों ऊ, ये सब मिलकर क्या बना दे, आ ई और ऊ, तो ये तो हो गई दीर्घ संधि। फिर देखो अ और री मिलकर बना दे अर, ठीक है, और ये हो गए आपके ई और ए मिलाकर बना दे ए, और फिर ये हो गए आपके कि बड़ी ई और ओ मिलकर बन जाए ओ ओ, तो ये क्या कहलाएगा, गुण। क्या कहलाएगा, गुण, ठीक है ना। फिर देखो मतलब ये वापस ध्यान देखो, अ आ प्लस ए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, उसको बोलेंगे वृद्धि संधि। अ आ प्लस ओ ओ बराबर ओ, ये क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। फिर देखो ई ई ऊ प्लस री और असमान स्वर, यानी इनके बाद ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री के बाद अगर असमान स्वर आए तो हमेशा यह वर, मतलब ये क्या कहलाएगी, यण संधि। फिर देखो ए ए ओ ओ प्लस असमान स्वर आए तो ए का तो आय हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा, ओ का आ हो जाएगा, ये कहलाएगी अयादि संधि। यानी ए बराबर अ प्लस ई किसमें हो गया, य, तो अ य, यानी ई किसमें, देखो वापस अ प्लस ई, ई बदल गया य में तो क्या हो गया, अय, ए हो जाएगा आय में, ओ हो जाएगा अ प्लस ऊ, ऊ बदल गया व में तो क्या हो गया, अव, और ओ ओ का क्या हो जाएगा, आव, ठीक है ना। चलिए बस इंट्रोडक्शन ही था, अगली सभा करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे।